नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमेटा ब्लॉग पर। आज हम दोस्तों कुंभलगढ़ का सफर कर बात करेंगे केलोड़ा गांव से। केलोड़ा के पास में ही ये बहुत ही सुंदर तालाब बना हुआ है, लाखेला तालाब, जो कि कुंभलगढ़ के पास में सबसे बड़ा तालाब है। कुंभलगढ़ के आसपास काफ़ी होटल्स बनी हुई है और ये जो तालाब के किनारे भी काफ़ी होटल्स हैं और यह तालाब अपने आप में अलग ही स्थान रखता है। काफ़ी खूबसूरत तालाब है, दर्शकों को काफ़ी अपनी तरफ आकर्षित करता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो दोस्तों ये जो केलवाड़ा से जो कुंभलगढ़ रोड जाता है, काफ़ी अच्छा रोड है। एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ बहुत गहरी खाई बनी हुई है। इसी रोड के बीच में से पहाड़ को काट के ये रोड बनाया गया है। काफ़ी सुंदर रोड है दोस्तों ये, और पूरे रोड पे काफ़ी होटल्स भी बनी हुई है। वैसे जैसे देखिए, ये रोड के एक तरफ बहुत ही गहरी खाई बनी हुई है और दूसरी तरफ पहाड़। काफ़ी टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं काफ़ी जगह से। काफ़ी अच्छा अपनी तरफ आकर्षित करता है कुंभलगढ़, अपने आप में एक अलग ही स्थान रखता है। दोस्तों कुंभलगढ़ में कुल 7 दरवाजे हैं, जिसमें से सबसे पहला ये जो है आरेट पॉल, काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है। काफ़ी ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है यह दरवाज़ा और काफ़ी मजबूत भी है। इसी प्रकार से ये जैसे दूसरा दरवाज़ा है, हल्ला पोल नाम है इसका, ये काफ़ी मजबूत दरवाजे बना रखे हैं। और थोड़ा आगे चलते हैं तो और भी दरवाजे जैसे बने हुए हैं। ये है हनुमान पोल, ये कुंभलगढ़ का तीसरा दरवाज़ा है। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित कर रखी है। यह है दोस्तों कुंभलगढ़ का मेन प्रवेश द्वार, मेन गेट, काफ़ी मजबूत बना रखा है। दोस्तों कुंभलगढ़ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और यहाँ पे कुंभलगढ़ के अंदर कुल 360 मंदिर स्थापित कर रखे हैं, जिसमें से 300 मंदिर तो जैन मंदिर है और बाकी के 60 मंदिर हिंदू मंदिर है। और ये किला काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है, लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है ये किला। और अपने ये एक अजयगढ़ के नाम से किला मशहूर है, क्योंकि ये कभी पराजय नहीं हुआ ये किला। इस किले की भी दोस्तों काफ़ी अजीब सी कहानी है। जैसे बताया जाता है कि ये किला जैसे बनाते थे तो वापस से अपने आप ही दीवार उसके नीचे गिर जाती थी। तो एक बड़े संत को बुलाया गया और पूछा गया, तो संत ने बताया कि यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से कोई अपनी बलि देगा, नर बलि देगा, तो ही ये इसका निर्माण संपूर्ण हो पाएगा। तो संत ने ही अपनी खुद की बलि दी थी और उसके बाद ये किला बनाया गया था। काफ़ी मजबूत किला बना हुआ है और काफ़ी सुंदरता भी है। और महाराणा प्रताप की जन्म स्थली भी यही है, महाराणा प्रताप का जन्म यहीं पर हुआ है कुंभलगढ़ के अंदर। शक्तिशाली राजा का नाम आता है तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का नाम आता है, काफ़ी शक्तिशाली। दोस्तों आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सुना ही होगा, काफ़ी बड़ी दीवार है। उसकी के टक्कर में ये दूसरी दीवार जो है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार, कुंभलगढ़ की दीवार है। यह दीवार करीब 36 किलोमीटर में फैली हुई है। कुंभलगढ़ की दीवार दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। काफ़ी मजबूती के साथ ये दीवार बनाई गई है। दीवार की जो चौड़ाई है लगभग 15 फिट ये चौड़ी है दीवार, और 36 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। काफ़ी मजबूत दीवार है ये। यहाँ जो किला बना हुआ है, अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये किला स्थित है। काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है ये किला। आसपास पूरा कुंभलगढ़ का ये अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी घना जंगल है ये। काफ़ी सुंदर किला है दोस्तों ये। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए दोस्तों। और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।